हेलो दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर जाहिदा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर उन पेशेंट्स में होती हैं जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, और डायबिटीज का अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे न्यूरोपैथी। हाथों और पैरों की उंगलियों में पहले तो दर्द और झुमझुमाहट महसूस होती है और कुछ समय बाद ये सुन्न पड़ जाते हैं। इन एरियाज में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है या फिर ठीक से नहीं होता, और छोटी सी चोट या खरोच या जूते या स्लीपर्स का काटना भी महसूस नहीं होता, और ये जख्म बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते अल्सर बन जाते हैं और यहाँ तक के इस हिस्से को काटना पड़ता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को अपने हाथों और खास करके पैरों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। न्यूरोपैथी में अगर पेट की नसें इन्वॉल्व होती हैं तो बार बार लूज मोशंस होने लगते हैं या फिर कब्ज बनी रहती है। बात करते हैं आंखों के बारे में। आंखों के लेंस में धुंधलापन आ जाता है जिसको कैटरैक्ट कहते हैं, और आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उसके ब्लड वेजल्स को हाई शुगर से नुकसान पहुंचने की वजह से आंखों की रोशनी तक आप खो सकते हो। डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन भी बार बार होते हैं, मुंह के अंदर, पैरों की उंगलियों के बीच में, और खास करके लेडीज में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और वजाइनल इन्फेक्शन बार बार होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इनमें वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की शक्ति बहुत कम होती है, इस वजह से इनमें इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत कम बनता है या फिर इंसुलिन बनता ही नहीं, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज में देखें तो टाइप 2 डायबिटीज से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। टाइप 2 में भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं हो। टाइप 2 डायबिटीज में जब शुगर का लेवल खून में ज्यादा बढ़ जाता है तो बीटा सेल्स और ज्यादा इंसुलिन बनाते हैं इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बॉडी के सेल्स इंसुलिन के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं और अपने अंदर शुगर को लेने से मना करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैंक्रियास का काम और बढ़ जाता है ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए। अगर इस कंडीशन को इसी तरह छोड़ दिया गया और इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो पैंक्रियास जो ओवर फंक्शनिंग हो रहे हैं इंसुलिन बनाने के लिए, ये भी कुछ समय बाद थक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। किडनीज पर डायबिटीज का क्या असर पड़ता है? इस बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करने के लिए और शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है। किडनी से शुगर को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालते हैं। इस काम के लिए किडनीज को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा प्यास लगती है और यूरिन भी बार बार निकलता है। कुछ समय बाद ये ओवर फंक्शनिंग किडनीज भी थक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सीने में दर्द होता है या कुछ पेशेंट्स को हार्ट अटैक का दर्द महसूस ही नहीं होता और हार्ट अटैक आकर चला भी जाता है, जिसको साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। खून में बढ़े हुए शुगर लेवल से ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। इसी तरह अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है तो स्ट्रोक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह डायबिटीज मेजर ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, आंखें वगैरह को डैमेज करती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आप अपना ख्याल रखिए और इस बीमारी को नजरअंदाज ना करें, वरना आपकी सेहत बहुत बिगड़ जाएगी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एक के बाद एक होने लगेंगी। ये कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक पेशेंट में कब या कितने समय के बाद होते हैं ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी शुगर को किस तरह कंट्रोल कर रखा है, अपने डाइट से, एक्सरसाइज से और मेडिसिन से।
तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, औरों में शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।